कर ला तेरा मैं लोग इतनी शुरू करता जाना किधर कड़ी जाना सारे घरों बाहर गर्मी च ना बहंदा ना बह उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको मान में रखे और दुनिया आखिर की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू। ये पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया मेरे पीछे लगा हुआ है कि नहाने जाना है टूवल पे, लेकिन मेरा कुछ माहौल ऐसा है कि मैं अभी टूवल पे अच्छा नहीं लगता नहाना, कोई तबीयत कुछ ऐसी हो रही है जब से एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं कुछ परहेज़ करता हूँ नहाने से, क्यों कमर का भी मसला नहीं ठीक हो रहा मेरा। तो बस आज इसने ज़्यादा ज़बरदस्ती की, इसके साथ आए हैं, सिर्फ हम बैठेंगे ये नहाएगा। तू भी मार दो चल ओए तेरी उल्लू का कान थले ही रह गए, आ गया सुकून है, शुक्र है। हम इधर बैठेंगे, चारपाई बिछी हुई है, अपनी जमीन पास ही है, ये पुराने वाला टूवल है जो पहले भी दिखाया हुआ है, वो गंदम की तरफ ही चलेंगे, क्यों हाथ लगा हुआ है गंदम को वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। ओ हेलो, हो गया ठंडा वो अभी नहा रहा है, वो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। मैं अपनी गंदम की तरफ जा रहा हूँ कि गंदम की सूरत हाल देखने कैसी है, तो वो आप दोस्तों को भी दिखाते हैं। क्यों तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हाथ लगा हुआ है, मुझे अब्बा जी ने बताया भी था, लेकिन है ना रोज़ा होता है और कुछ गर्मी ऐसी है बाहर निकलने को दिल नहीं करता, आज भी बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, वो भी ये काफ़ी दिन से बेचारा लगा हुआ था तंग करने। तो अभी चलते हैं फिर वापसी आके इसको भी तैयार करते हैं कि काफ़ी हो गया नहाना है इसका, क्यों इस पर इतना टाइम तो लगता नहीं है ठंडा होने में, क्यों ट्यूबवेल का पानी काफ़ी ठंडा होता है। देखें धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है, तो बस क्या कहें अब। ये आम का पौधा है, माशाल्लाह आम भी लगने शुरू हो चुके हैं छोटे छोटे से, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत आम है, ये देखें। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे से, लेकिन अभी हाँ खाने को दिल करता है, लेकिन अभी रोज़ा है, कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्यों खट्टे खट्टे से जो ये छोटे छोटे से होते हैं काफ़ी मज़ेदार लगते हैं, इनकी चटनी भी काफ़ी मज़ेदार बनती है। ये अपनी गंदम मुकम्मल कट चुकी है, ये जो आजकल अंधेरी चल रही है उसकी वजह से साथ साथ बांध भी रहे हैं इसको, तो एक विग्गा जो है हमारा ये मुकम्मल हो चुका है ये विग्गा, और इस तरफ ये दूसरे विग्गो का हाथ लगा हुआ, ये भी तकरीबन 1 या 2 दिन लगेंगे माशाल्लाह, ये देखें। क्यों ये जो काटने वाले हैं इनका भी रोज़ा होता है, ये सुबह को काटते हैं और फिर शाम को काटते हैं, क्यों रोज़े की वजह से वो दोपहर को नहीं काट सकते हैं, क्यों जो आम आदमी होते हैं जिनके रोज़े नहीं होते हैं वो दोपहर को भी काट के ये 2 दिन में किला मुकम्मल कर देते हैं, लेकिन ये रोज़ा होने की वजह से जो काटते हैं उनका रोज़ा होता है, मियाँ बीवी हैं और उनके साथ बच्चे हैं, तो वही काम करते हैं इधर का मुकम्मल जिनके ज़िम्मे हमने लगाया हुआ है, तो उनका भी रोज़ा होता है, वो रोज़े के साथ फिर काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, इसीलिए वो 4-5 दिन लग जाते हैं, अभी भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं, तो देखी जाएगी जब वो काट देंगे फिर हमारी थ्रेशर भी लगेगी, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। उनका घर इधर ही है, वो सामने उनका घर है, वो बस इधर से आते हैं और काट के सुबह के टाइम काटते हैं और फिर शाम के टाइम काटते हैं, ये बस सुबह के टाइम काटी है उन्होंने ये इतनी सी, तो अब वो शाम को आएंगे, तो परसों कल तक ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक ये आधा विग्गा हो जाएगा और कल को वो मुकम्मल हो जाएगा उम्मीद है, परसों को थ्रेशर के चांस हैं हमारे। ये हमारे छोटे दोस्त हैं, उम्र हमारे जितनी है लेकिन इनका कद छोटा सा है। ओ होया नहीं तेरा नहाना पूरा, तेरी बंदे दी तीबाण
इंजॉय कर। इधर माहौल काफी मजे का है, दरख्त है, साथ टूल चल रहा है, साथ चार पही है, हवा चल रही है मजे की, और मोबाइल में बिजी हो रहे खाने में लगे हुए कोई देखन कोई देखन दिया वा। ये वीडियो बना रहे है भी। नहीं उन्हें की वीडियो बनानी, चलिए हाँ लगती सर्दी तेन मैं नहाना ही नहीं है तो पानी भी गर्म है, ये तो शाम होगी फिर पता चलू बहुत तेन ये जी मस्जिद का जनरेटर है, इसमें कुछ खराबी हो रही है, इधर से ये खराब हो रहा है, हेड का मसला है। हाँ देख एक छोटा सा लड़का हमने पकड़ा है, ठीक है छोटा सा कद नहीं है बड़ा, वैसे कद के इलाज से छोटा कह रहा हूँ, खराब करने लग गया हूँ तेनू कह रहा वा नहीं औखा काम दसना सानू अपनी कपड़ा लैन भेजा वा लभ्या ही नहीं है कोई ले आया वा फड़ी दो मिनट ऐसे ना दो दिन कमर तो लग गए मैं दीवार में बैठने से कहाँ चढ़ गई की है पानी ना लाइए गेड़िया तो फिर की हो लाश में भी कुछ है लाश तू भी लाश ही है साढ़े नट बिच सारे रखी आ रहे फिर लाभ ने अभी जनरेटर खोल के आया हूँ क्यों अभी काम करवाना है उसका, तो पहले कारीगर से करवाया था तो उसने उसका सारा नुकसान कर दिया कि पहले मैं खुद करता था लेकिन इस दफ़ा कारीगर का हाल लगा तो वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए खोल के आया हूँ, सुबह उसका काम करवाएंगे। अभी मैं घर आया हूँ तो सीधा किचन में आया हूँ, आप दोस्तों को किचन की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये सालन पक रहा है गोश्त और कद्दू का, और ये समोसे बने हैं ये देखें। ये जी आज की हमारी इफ्तारी है, ये फल पड़े हैं, केले सेब हैं, ये समोसे जो बन रहे थे, तरबूज है, दो बोतलें हैं, और ये चावल हैं।